हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को खत्म किया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज पार्लियामेंट, एंड हियर वी बिगिन। जो पार्लियामेंट है वो हमारे सिस्टम का या फिर हमारी यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन कहलाती है, यानी कि वो ऑर्गन जिसके थ्रू हमारे यूनियन गवर्नमेंट को जितने भी लॉज वगैरह बनवाने हैं, जितने भी बिल्स वगैरह पास करवाने हैं, वो सारा काम करने के लिए जिस ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है वो हमारी पार्लियामेंट होती है। तो पहला पॉइंट तो पार्लियामेंट के बारे में यही आता है कि ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन होती है सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूनियन गवर्नमेंट का, यानी कि जितने भी आपके लॉज वगैरह पास होने हैं वो सारा करवाने की जिम्मेदारी जो है पार्लियामेंट के ऊपर आती है, बिकॉज बीइंग द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। दूसरा यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी जो पार्लियामेंट है ये बहुत सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। इसका रीजन यह है कि हम लोगों ने जो पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया है दैट इज नोन एज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट जो है वो उसका रोल जो होता है बड़ा सेंट्रल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो पार्लियामेंट है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। एंड पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, इसके जो भी पावर्स हैं, जो भी प्रिविलेजेस वगैरह हैं, उन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में आर्टिकल 79 से लेके 122 तक के में डील किया गया है, यानी कि पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, इसके कितने पार्ट्स होंगे, इसके पास क्या पावर्स होंगी, क्या प्रिविलेजेस होंगे, इसमें कितने ऑफिसर्स होंगे, जिन ऑफिसर्स को रखना है उनकी एलिजिबिलिटीज क्या होंगी, कितने मेंबर्स रहेंगे, कितने हाउस रहेंगे, ये सारी बातें जो हैं आर्टिकल 79 से लेके 122 तक कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में डील की गई हैं। तो तीन बातें हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं कि पार्लियामेंट जो है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव ऑर्गन होती है, मतलब जितने भी रूल्स वगैरह बनाए जाने हैं, जितने भी लॉज वगैरह पास होने हैं, जितने भी एक्ट्स वगैरह पास होने हैं, वो सब करने की जो जिम्मेदारी होती है वो पार्लियामेंट के ऊपर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऑक्यूपाई करती है। रीजन, हम लोगों ने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट जो होती है वो एक सेंट्रल या फिर एक इंपॉर्टेंट प्री एमिनेंट इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस वगैरह हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक पार्ट फिफ्थ में उनको डील किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में कि पार्लियामेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने फंक्शनिंग यूनिट्स होते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है, दूसरा होता है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा जो है वो हम या फिर जो अपर हाउस है वो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि राज्यसभा या फिर अपर हाउस में जो लोग बैठते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और लोकसभा या लोअर हाउस जो है इसमें जो लोग बैठते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है, दूसरा लोकसभा, जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, और तीसरा प्रेसिडेंट। राज्यसभा जो है इसके जो मेंबर्स वगैरह हैं या फिर राज्यसभा एज अ होल जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है। इंडिया के जितने स्टेट्स हैं और इंडिया की जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको राज्यसभा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा या लोअर हाउस जो है इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर ये जो हाउस है ये पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल सारे के सारे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है प्रेसिडेंट। राज्यसभा और लोकसभा को के जो नाम है ये 1954 में अडॉप्ट किए गए थे। 1954 से हम लोग इन लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा और अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा कह रहे हैं। उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्चुअल नाम इनके लिए इस्तेमाल किए गए थे, राज्यसभा के लिए किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा के लिए जो नाम इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था हाउस ऑफ पीपल। तो टेक्निकल जो नाम है जिन नामों से कॉन्स्टिट्यूशन में अपर हाउस और लोअर हाउस के बारे में बात की गई है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और लोअर हाउस दैट इज सभा इसको बोला गया है हाउस ऑफ द पीपल। दीज आर द ओरिजिनल नेम्स दैट वर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ना तो राज्यसभा के मेंबर है ना लोकसभा के मेंबर है ना वो इनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है, मगर फिर भी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है। इसका रीजन यह है कि पार्लियामेंट या फिर राज्यसभा और लोकसभा मिलकर जितने भी एक्ट्स वगैरह अपने पास कर रही हैं, जितने भी बिल्स वगैरह पास कर रही हैं, वो तब तक जो है लागू नहीं हो सकते, वो तब तक जो है कानून नहीं बन सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट उनके ऊपर अपना असेंट ना दे दे या फिर प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन ना कर दे। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि भाई पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून लागू ही नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन ना करें या फिर अपना असेंट ना दें, इसलिए प्रेसिडेंट को जो है पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। इनस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते और ना ही इनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में। राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ, टीएस यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ को शॉर्ट करके लिखा है, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब की है वो है 250, यानी कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स अपने हो सकते हैं। इसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे और 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये जो है टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रिस्क्राइब करी है वो है 250, 238 आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे एंड 12 जो हैं मेंबर्स वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। आज की तारीख में जो करंट स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ को सीएस के शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, करंट स्ट्रेंथ आज की तारीख में जो है वो है आपकी 245। इसमें से 229 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 जो मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं, पीएन शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन का। तो ये आज की तारीख में हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ चल रही है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी प्रिस्क्राइब की गई है, 245 आपकी करंट स्ट्रेंथ है और उसका फिर जो ब्रेकडाउन है वो आपको इस तरीके से बताया गया है। अब एक बात का हमको ध्यान रखना है कि राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स जो है उनको अलग अलग सीट्स अलॉट की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 31 सीट्स अलॉट की गई है, त्रिपुरा जो है उसको सिर्फ एक सीट अलॉट की गई है, केरला को कुछ और सीट्स अलॉट की गई हैं, तमिलनाडु को कुछ और सीट्स अलॉट की गई हैं, राजस्थान को कुछ और सीट्स अलॉट की गई हैं एंड सो ऑन। तो अलग अलग स्टेट जो है उनको अलग अलग या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज जो है उनको अलग अलग सीट्स अलॉट की गई हैं। तो ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा में कि भाई राज्यसभा में किसी स्टेट को कितनी या किसी यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स वगैरह एलोकेट होनी है, किस तरीके से एलोकेट होनी है, क्या आपका प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है तो हमको ध्यान रखना है। राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स या फिर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को जो सीट्स एलोकेट की गई हैं वो अलग अलग है। अब कौन से राज्य को कितनी सीट्स अलॉट की जानी है राज्यसभा में, कौन सी यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स अलोकेट की जानी है राज्यसभा में, क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर आप उस सबको करोगे, ये सारी बात डील की गई है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस एंड ऑल द प्रोसीजर ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द राज्यसभा फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब हम लोग आते हैं इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के ऊपर कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन आखिर किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है जिसको फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू राज्यसभा में जो मेंबर्स आएंगे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे वो इलेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात तो यह कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं किसी भी एक स्टेट से जो राज्यसभा के मेंबर्स आने वाले हैं उनका इलेक्शन किया जाता है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स हैं राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स हैं, तो अब उत्तर प्रदेश की जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स इन 31 मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जो उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जितनी भी सीट्स वगैरह हैं उसके लिए मध्य प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उनका इलेक्शन वगैरह करेंगे, उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको चुनकर फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब ये जो इलेक्शन होता है दैट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये जो इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन मेथड अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है जिसके थ्रू इलेक्शन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसी मेथड का इस्तेमाल कर हम लोग यहां पर भी इलेक्शन करवाते हैं और वोटिंग जो होती है वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है। उसके थ्रू आप अपने राज्यसभा के लिए का जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें आप वोटिंग वगैरह कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
का जो इलेक्शन का मेथड होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो लोग जो ये चैप्टर पहली बार देख रहे हैं और इसके पहले के चैप्टर्स अगर स्किप कर दिए हैं, एंड इफ दे आर नॉट अवेयर कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देन आई विल एडवाइज कि आप जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है उसमें उनके इलेक्शन का जो मेथड है वो देखिए, वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस किया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि भाई किसी भी राज्य या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के जो आपके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जो रिप्रेजेंट करते हैं उस स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को, उनका जो इलेक्शन किया जाता है वो किया जाता है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, और ये इलेक्शन होता है बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक बात और जो हमको ध्यान रखनी है कि राज्यसभा में जो सीट्स अलॉट की जाती हैं किसी भी स्टेट को, वो की जाती हैं उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर, यानी कि जिस राज्य की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उसका उसको इतनी ज्यादा नंबर ऑफ सीट जो है वो एलोकेट की गई है। तो इसके बेसिस पर हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर कि कौन से राज्य को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, बट मोर और लेस यही है कि आपकी सबसे ज्यादा सीट्स यूपी के पास हैं, उसके बाद में आपकी जो सीट्स हैं बिहार के पास आती हैं, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु एंड सो ऑन। बट फिर भी अगर आपको एक वाइल्ड गेस करना हो तो एक ट्रिक के तौर पर इसको याद रख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में अलॉट की गई हैं वो की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, कि जिसकी पॉपुलेशन जितनी ज्यादा है उसको उतनी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में मिली हुई है, और यही बात लोकसभा के ऊपर भी लागू होती है। अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में वो किस तरीके से है। तो यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि भाई एक इलेक्टोरल कॉलेज आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जो राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने का काम करेगा। यहाँ पर भी जो इलेक्शन होगा वो होगा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही, और यहाँ पर भी एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पड़ेगा, मगर यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाने वाले हैं वो एक खास इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुनकर जाएंगे जिसको इसी काम के लिए कंस्टिट्यूट किया जाएगा। अभी हमारे पास जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से दिल्ली और पुडुचेरी जो हैं इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। उसका रीजन यह है कि उन यूनियन टेरिटरीज की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उनको आप राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दे सको। तो और मगर दिल्ली और पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, इसलिए इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में दिया गया। अब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ उस वक्त तक मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया है, एक है आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब जो इनका रिकंस्टिट्यूशन होगा उसके कारण राज्यसभा में जो है सीट्स वगैरह जो भी बनेंगी उसमें इन दोनों यूनियन टेरिटरीज की भी सीट्स वगैरह आएंगी, मगर अभी तक क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है इसलिए मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूं, मगर जब आप इसको पढ़ें तो इसको गूगल करके या विकिपीडिया करके देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको राज्यसभा में कितनी नंबर ऑफ सीट्स मिली है। मोर और लेस होगा यही कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मिली हुई थी राज्यसभा में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा आपस में, मगर हाँ आज की तारीख में ये कहानी है कि दिल्ली और पुडुचेरी 2 ही आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। मॉडिफिकेशन होने के बाद में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मगर क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस यूटी को इतनी सीट्स और इस यूटी को इतनी सीट्स, इसलिए मैं उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। बट जब आप ये पढ़ रहे हो उस वक्त आप विकिपीडिया खोलकर या गूगल कर देख लीजिए कि उस वक्त तक अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में इनको नंबर ऑफ सीट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज को स्पेसिफाई कर दी हो। तो नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का भी प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, उन लोगों में से जिनके पास या तो कोई स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ आर्ट साइंस सोशल साइंस एंड लिटरेचर, यानी कि आर्ट साइंस सोशल साइंस एंड लिटरेचर जो मोर और लेस लगभग सारी फील्ड्स को कवर कर लेते हैं, इन फील्ड्स में अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज हो या फिर अगर आपका कोई स्पेशल कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो या फिर कोई स्पेशल नॉलेज हो तो इस तरीके के लोगों को प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। कुल मिला के ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में एक बार में नॉमिनेट किया जा सकता है। ये नॉमिनेशन का जो प्रोविजन है ये रखने का रीजन ये है कि इन फील्ड्स में जो लोग हैं वो जनरली एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, तो इस तरीके के लोगों को भी लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है लेजिस्लेचर वगैरह में एक जगह दी जा सके, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में
खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में जनरली नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते या रुझान नहीं रखते हैं, इस तरीके के लोगों को भी आपके लेजिस्लेचर का या लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनाया जा सके, इसके लिए ये 12 लोगों के नॉमिनेशन का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। अब आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ को TS करके शॉर्ट में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब की गई है वो की गई है 552, यानी कि मैक्स टू मैक्स अपने लोकसभा में 552 मेंबर्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। उसमें से 530 जो है वो आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए PM शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। करेंट स्टेटस जो है CS, करेंट स्टेटस के लिए CS शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। करेंट स्टेटस जो है वो यह है कि हमारी लोकसभा में आज की तारीख में 545 सीट्स हैं। इन 545 सीट्स में से 530 सीट्स स्टेट्स की हैं, 13 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज की हैं और 2 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये आज की तारीख में हमारी करंट स्थिति चल रही है। 552 कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम लिमिट बताई है कि इतने आप मैक्सिमम मेंबर्स लोकसभा में रख सकते हैं और उसका फिर ब्रेकडाउन दिया है। और आज की तारीख में जो मैक्सिमम हमारे मेंबर्स हैं लोकसभा, जितने मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूट होती है वो 545 है और उसका ब्रेकडाउन ये अपने को दिया गया है। इलेक्शन जो है लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स का, उसके बारे में बात करते हैं। लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, इन लोगों को इनडायरेक्टली नहीं चुना जाता। जैसे राज्यसभा में लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट था, मगर यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है वो आपका डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जा रहा है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह से। लोकसभा का जो एक मेंबर है वो एक सर्टेन टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना इलेक्शंस होते हैं और वहां पर लोग फिर उसके इलेक्शन में डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। ये जो इलेक्शन का तरीका है जिसके थ्रू लोकसभा का इलेक्शन करवाया जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो लोकसभा का जो इलेक्शन है, ये पूछा जा चुका है, लोकसभा का जो इलेक्शन है वो होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। पहले हमारा प्रोविजन ये था कि 21 साल तक या उससे ज्यादा का जो भी व्यक्ति है वो इन सारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता था, अगर उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू अगर डिबार नहीं किया गया है तो फिर वो पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस में कर सकता था। हालांकि 1998 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA ऑफ 1998, उसमें हम लोगों ने जो वोटिंग एज है वो 21 से घटा के 18 ईयर्स कर दी थी और आज की तारीख में जो वोटिंग एज है वो 18 साल है। ये बताने का रीजन इसलिए है क्योंकि ये चीज पूछी गई है कि आपका कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा और कौन से साल में वोटिंग एज घटा के 21 से 18 साल की गई थी। तो ये पहले 21 इयर्स हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन में और 21 इयर्स से इसको घटा के 18 साल किया गया है बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1998 राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। इसके बाद में अब हम लोग आते हैं प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट साहब को यह पावर दिया गया है कि वो लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अगर इस कम्युनिटी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उन्हें ऐसा लगता है कि द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के थ्रू लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। ओरिजिनली तो ये प्रोविजन 1960 तक चलना था, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू इसको 2020 तक के लिए कंटिन्यू किया गया है। उसके बाद भी शायद इसे कंटिन्यू 10 साल के लिए फिर किया जाएगा, 2020 में 2030 के लिए भी किया जा सकता, बट उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। मगर अभी की कहानी यही है कि प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है, लोकसभा में वो 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको नॉमिनेट कर सकता है एज मेंबर्स। और ये प्रोविजन ओरिजिनली 1960 तक चलना था, अब ये 2020 तक चलेगा। और ग्राउंड्स इसके लिए जो दिए गए हैं, इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, then in that case he can do this particular thing of nominating 2 members from the Anglo-Indian community in the Lok Sabha. System of election to Lok Sabha के बारे में कुछ और बातें हमको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी जिसमें से questions पूछे जाते हैं। System of election to Lok Sabha में सबसे पहली चीज आती है territorial constituencies, कि ये election कराने के लिए जो election commission है हमारे पूरे देश को territorial constituencies में divide करता है और फिर हर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी जो है वो एक सीट को रिप्रेजेंट करती है हमारे लोकसभा में। यानी कि क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश में 543 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है, 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं तो कुल मिला के वो 545 हो जाती हैं,
यानी कि हमारे देश में भी 543 सीट्स के लिए इलेक्शन होता है, तो पूरे देश को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि कुल मिला के 543 टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज क्रिएट होती हैं। अब ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह जो हैं, एक स्टेट में कितनी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज आएंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस स्टेट से कितनी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगी लोकसभा में। अब यहां पर भी बात आ जाती है पॉपुलेशन के ऊपर, जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी वहां पर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज उतनी ज्यादा होंगी और वहां पर उतनी नंबर ऑफ सीट्स उस स्टेट से ज्यादा होंगी। इस कारण उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सीट्स आती हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सीट्स आती हैं लोकसभा में। रीजन यही है कि वहां पर आपके जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है और इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज को बनाया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा में ये मैटर नहीं करता कि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर, उस टेरिटोरी में कितने लोग हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पर्टिकुलर एरिया के नहीं, उस एरिया में रहने वाले लोगों के। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का साइज अलग हो सकता है, पॉपुलेशन कितनी है वो मैटर करता है। और जितनी ज्यादा आपके स्टेट की पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा उसमें टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज आएंगी, अकॉर्डिंगली उतनी ज्यादा उसके नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20-22 करोड़ के आसपास है, सबसे ज्यादा 80 सीटें वहां से आती हैं। एंड कंपैरेटिवली अगर आप देखते चले जाएंगे तो सबसे कम पॉपुलेशन जहां से है वहां से सबसे कम सीटें आती हैं इस तरीके से। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इलेक्शन के लिए सारे देश को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और हर बार इलेक्शन के पहले जो है या फिर हर बार सेंसस के बाद जो होता है, लेटेस्ट सेंसस के बाद में रीएडजस्टमेंट होता है सीट्स का। जैसे अभी सेंसस होगी, सेंसस के बाद में पॉपुलेशन वगैरह के प्रपोर्शंस या रेशोज वगैरह चेंज होंगे तो उसके बाद में आपको सीट्स वगैरह का रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि हर बार जो लेटेस्ट आपकी सेंसस हो गई है जिसके फिगर्स वगैरह आ गए हैं आपको सेंसस के फिगर्स के बेसिस पर सीट्स का रीएडजस्टमेंट करना होगा। हालांकि यहां पर थोड़ा सा पेच है, पार्लियामेंट ने एक्ट वगैरह पास करके 2026 तक इस रीएडजस्टमेंट के ऊपर बैन लगा रखा है। आज की तारीख में 2026 तक इस तरीके का रीएडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो सकता। और तीसरी चीज जो है वो ये कि आपको एससी और एसटी की जो मेंबर्स हैं उसके लिए कुछ सीट्स वगैरह को रिजर्व करना पड़ता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वगैरह तो उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिए कि सेपरेट इलेक्ट्रेट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं होंगे, मगर एससी और एसटी के लिए रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। तो उनकी किसी स्टेट में एससी और एसटी का क्या पॉपुलेशन है और स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में उनका क्या प्रपोर्शन है, क्या रेशो है, उसके बेसिस पर उस स्टेट में एससी और एसटी के लिए सीट्स वगैरह को रिजर्व किया जाता है। मगर जो एससी और एसटी की सीट्स रिजर्व होती हैं वोट उनके ऊपर सब लोग डालते हैं, सारी जनरल पॉपुलेशन वोट करती है। कहने का सेंस यह है कि एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी अगर एससी या एसटी के लिए रिजर्व है तो कैंडिडेट जो खड़े होंगे वो एससी या एसटी के ही रहेंगे, मगर वोटिंग जो होगी वो सारे लोग मिलकर करेंगे। ये नहीं होगा कि एक कम्युनिटी के लोग वोट डालने के लिए मतलब एलिजिबल है और दूसरे कम्युनिटी के लोग एलिजिबल नहीं है, जिस तरीके की आपकी बात आपका सेपरेट इलेक्ट्रेट में होती थी उस तरीके का काम यहाँ पर नहीं होगा। अगर एसटी या एसटी की सीट है तो भी जो वोटिंग है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूरे लोग करेंगे, कोई एक खास कम्युनिटी के लोग नहीं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अगले सेशन में हम लोग पार्लियामेंट के दूसरे एस्पेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम कीप वर्किंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।